जब आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक करने लगती है तो उसके बिहाफ पे दो मेन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, जिनमें ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। अगर आपकी वेबसाइट ऑन पेज एसईओ के साथ स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, अगर इसके साथ साथ आप कुछ हाई क्वालिटी के बैक लिंक्स जनरेट कर लें, तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट एक लॉन्ग टर्म के लिए गूगल की फर्स्ट पोजिशन पर स्टे कर सकती है। कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे मैंने बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स हैं, जिसमें entrepreneur.com एंड forbes.com जैसी जो वेबसाइट हैं, इनसे मैंने लिंक्स गेन किए थे और प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखाया भी था। अगर आप इसके बारे में जानना चाह रहे हैं तो नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख लीजिए। और ये वीडियो देखने के बाद कुछ दोस्तों ने ये क्वेश्चन अराइज किया था कि जी ये जो टेक्निक है ये बैक 2015-16 की है, जो कि अब ये टेक्निक काम नहीं करती। लेकिन आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि स्टिल ये टेक्निक अभी भी काम करती है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ एक नई केस स्टडी शेयर करूंगा जिसमें मैंने आपको भी ये बताऊंगा और आपको गाइड करूंगा कि कैसे मैंने अपनी एफिलिएट वेबसाइट के लिए इन बड़ी वेबसाइट से बैकलिंक्स जनरेट किए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह मैंने जो है ना, जो बड़ी वेबसाइट है जिसमें theguardian.com है एंड fastcompany.com जैसी वेबसाइट जिनकी डोमेन रेटिंग 93 और 91 है और जिनकी मंथली ट्रैफिक मिलियंस में है, और इनसे हमने बैकलिंक्स विदाउट कॉन्टैक्ट टू ऑथर्स हमने बैकलिंक्स जनरेट किए। इसमें मैं आपको ये भी गाइड करूंगा कि बैकलिंक्स जो इस तरह के हाई क्वालिटी के होते हैं उनको गेन करने का क्या फ़ायदा होता है और उसका साइट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, इंशाल्लाह इसको देखने के बाद आपकी जो बैकलिंक्स के बारे में स्ट्रेटजी है और वो और इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग होगी और आप और दिलचस्पी के साथ बैकलिंक्स पे काम कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको इस तरह के बैकलिंक्स मिलना शुरू हो जाएं तो आपकी वेबसाइट इंशाल्लाह एक अच्छे लेवल पे जाएगी और उसकी जो अर्निंग है डेफिनेटली वो भी इंक्रीज़ होगी, जिसके साथ साथ आपका इंशाल्लाह लाइफस्टाइल भी चेंज हो सकता है। क्योंकि मेरा जो मिशन है वो यही है कि आपके साथ जितनी भी टेक्निक्स हैं मैं इस चैनल के थ्रू आपके साथ शेयर करूं और आप फ्री में उन चीज़ों को लर्न करके अपनी स्किल्स को और डेवलप करके अपनी वेबसाइट के लिए अप्लाई करें ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें और आप अपना लाइफस्टाइल डेफिनेटली चेंज कर सकें। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें मैं प्रैक्टिकली वीडियोज़ के साथ आपके साथ जितनी भी टेक्निक्स हैं जो मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ एसईओ और एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अब स्क्रीन की तरफ ले जाकर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और ये भी प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे हमने ये बड़े बैकलिंक्स जनरेट किए हैं और इसके पीछे क्या सीक्रेट है। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। जी तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा और प्रूफ भी करूँगा कि कैसे हमने इतनी बड़ी वेबसाइट से जो बैकलिंक्स लिए हैं विदाउट एनी कॉन्टैक्ट लिए हैं और किस बेस पर हमें ये बैकलिंक्स जो मिले हैं वो भी इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। सबसे पहले हम चलते हैं अपने एएचआरएफ टूल में, वहाँ पे मैं जो वेबसाइट है जिसके लिए मैंने काम किया था ई कॉमर्स वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो बैकलिंक्स एनालिसिस है वो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको जो वेबसाइट बताई थी theguardian.com यहाँ पर है, ये देख लीजिए इसकी जो डोमेन रेटिंग है वो 93 है और इससे जो हमें बैकलिंक मिला है वो देखिए यहाँ पर हमें बैकलिंक मिला हुआ है। इसी तरह आप यहाँ पर अगर नीचे आएँ तो दूसरी बड़ी वेबसाइट है जी fastcompany.com है, इसकी जो डोमेन रेटिंग है वो 91 है और इससे जो हमें बैकलिंक मिला है प्योर वाइट हैट बैकलिंक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको हम जाकर देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं जी theguardian.com वेबसाइट पे, जो कि एक बड़ी वेबसाइट है। यहाँ पे देखिए कि इसका जो टॉपिक है हाउ टू गेट अहेड विदाउट हार्ड वर्क गोल्फ ड्रिंकिंग, फिर ये इसका जो है ना टाइटल यहाँ पे दिया हुआ है। और फिर नीचे हम यहाँ पे चलते हैं, इन्होंने कुछ जो है ना इंफॉर्मेशन भी लिखी है जो बड़े बड़े कंपनीज़ के जो सीईओज थे, जैसे पेप्सी की हो गई या फिर डेस्नी की सीईओ हो गई, इसी तरह ट्विटर का सीईओ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी इन्होंने, यहाँ से हम देखते हैं और यहाँ पर आप देखें ये लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं कि आपको बैकलिंक नज़र आ रहा होगा जो umarina.co.uk, फिर जिस लिंक पे हमारी ये इन्फोग्राफिक थी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अब ये एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि ये वेबसाइट सेल उनकी वजह से उन्होंने इसको रीडिज़ाइन किया है और इसके बहुत सारे लिंक्स जो ब्रोकन हो गए। तो ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के लिंक्स थे
जिनको उन्होंने लूज़ कर दिया, आई थिंक उन्होंने इसको सही तरह से एनालाइज़ नहीं किया, जिसकी वजह से इतने बड़े लिंक्स उन्होंने लूज़ कर दिए हैं, जिस पे मैंने बड़ी मेहनत की थी। तो खैर, ये जो हमें लिंक्स बेसिकली जो मिला है ना, ये लिंक्स हमने इनके लिए, इन्हें कोई अप्रोच नहीं की थी, या इन्होंने हमें नेचुरली दिया। कैसे दिया है? क्योंकि हमारी जो इन्फोग्राफिक थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि entrepreneur.com पे भी वो पब्लिश है, यहाँ पे आप देख लें, ये entrepreneur.com पे है, और इसी ये देखें, ये वाली इन्फोग्राफिक थी हमारी स्लीप से रेलिवेंट, एक बड़ी ही ज़बरदस्त इन्फोग्राफिक डिज़ाइन करवाई थी मैंने। और इसी तरह ink.com पे है, forbes.com पे है ये इन्फोग्राफिक, और बहुत ज़्यादा यानी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पे है, time.com, इवन के याहू पे भी ये पब्लिश हुई थी। तो जब ये ऑथर्स, ये जो रिपोर्टर्स होते हैं इन बड़ी वेबसाइट्स के, ये जब कोई भी अपना आर्टिकल लिखते हैं तो उसको बड़ा वो डीपली जो है रिसर्च करते हैं, उनको जो है ना हाई अथॉरिटी के जो रिसोर्स मिलते हैं वो फिर अपने आर्टिकल के अंदर ये इंक्लूड करते हैं। तो डेफिनेटली जब इन्होंने इस तरह के टॉपिक पे कोई रिसर्च की होगी, तो हमारी, क्योंकि इन्फोग्राफी काफ़ी सारे वेबसाइट्स पे पब्लिश थी, जो ओरिजिनल जो रिसोर्स था वो ज़ाहिर हमारी वेबसाइट ही थी, तो उन्होंने ओरिजिनल रिसोर्स वेकअप ये लिखा हुआ है, जो इसको इन्होंने एंकर किया है, ये देखें वेकअप डिस्टिंगली, इस तरह का कोई वर्ड है, मुझे इसकी सही समझ नहीं आ रही, वेकअप डिस्टिंगली अर्ली, इसको इन्होंने ये देखे लिंक किया हुआ, और प्योर जो है ना हमें डू फॉलो बैक लिंक यहाँ से मिला है। तो ये देखें कितना बड़ा आर्टिकल है, इसमें और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ये देखें telegraph.co.uk का, फिर economist.com है, फिर इसी तरह hbr.org है, यानी इसमें theguardian.com का अपना इंटरनल लिंक है। ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है, और ये बड़ा ज़बरदस्त एक फैक्टर है कि जब आपका आर्टिकल कहीं पे लिंक किया जाए और उसके साथ साथ बड़े बड़े रिसोर्स भी लिंक किए जाएं। अब यहाँ पे देखें, हमारी जो वेबसाइट है इसको लिंक किया गया, लेकिन इसके साथ जो मैंने आपको रिसोर्सेज दिखाए हैं, बड़े बड़े रिसोर्सेज, ये भी यहाँ पर लिंक किए गए हैं, तो इससे भी एक बड़ी अपने आप के जो लिंक है, बड़ा पावरफुल लिंक बन जाता है। तो ये देखें जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ से हमें लिंक मिला था, नेचुरली लिंक मिला है, जो इसका जो ये आथर है, आर्टिकल पब्लिश करने वाली, या इसका जो रिपोर्टर है या एडिटर, कुछ भी आप कह सकते हैं, तो इन्होंने जब इस आर्टिकल को लिखा तो ये बड़े बड़े रिसोर्सेज इन्होंने कहीं से रिसर्च किए हो गए, जिसमें हमारा रिसोर्स भी आ गया। और हमारा रिसोर्स किस तरह आया है? क्योंकि हमारी ऑलरेडी जो इन्फोग्राफिक पब्लिश थी बड़े बड़े नेटवर्क्स पर, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पर, जिसकी वजह से इसने इसको अपने आर्टिकल के अंदर इंक्लूड किया है। अगर तो ये इन्फोग्राफिक कहीं भी पब्लिश न होती इन बड़ी वेबसाइट पर, तो डेफिनेटली इसने हमारी वेबसाइट को जो का जो लिंक है वो तो नहीं देना था, लेकिन बड़ी वेबसाइट्स पे ये पब्लिश होने की वजह से इसने हमें नेचुरली बैकलिंक दे दिया है, जो कि हमें मुफ्त में मिल गया। हमने इसमें ना कोई टाइम लगाया, ना इस पर हमने कोई रिसर्च की, ना हमने इसे कोई अप्रोच की, तो बिल्कुल यानी हमें फ्री में ये बैकलिंक, और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का बैकलिंक मिला। इसी तरह हम दूसरी जो वेबसाइट है उसको भी देख लेते हैं, fastcompany.com, ये भी एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, उसकी डोमेन रेटिंग 91 है। अब इसमें हम चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा जो टॉपिक है जिस पे हमें इन्होंने बैकलिंक दिया है। अब ये देखें, व्हाई द मोस्ट प्रोडक्टिव पीपल डू दीज सिक्स थिंग्स एवरी डे। अब देखें, ये बिल्कुल हमारी इन्फोग्राफिक से रेलिवेंट टॉपिक है, क्योंकि हमने भी जो है ना डेली हैबिट्स, स्लीप हैबिट जो थी डेली की, उस पर हमने इन्फोग्राफिक बनाई हुई है। यहाँ पर देखिए जी, इन्होंने सिक्स चीज़ों को इन्होंने मेंशन किया है जो डेली रूटीन में यूज़ होती हैं। सबसे पहली जो चीज़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने ये मेंशन की है कि दे स्टार्ट विद अ मॉर्निंग रूटीन, ठीक है, मॉर्निंग रूटीन के बारे में लिखा हुआ है। फिर दूसरा ये कि दे ब्लॉक आउट टाइम एंड टैकल इम्पॉर्टेंट टास्क, फिर इसी तरह तीसरा यहाँ पे पॉइंट है, फिर यहाँ पे इसी तरह जी नंबर 4 पॉइंट है, नंबर 5 पॉइंट है, और यहाँ पे देखें नंबर 5 पे इन्होंने एक जो है ना, नहीं नंबर 5 पे सॉरी नहीं है, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है जी, कहीं हमें बैकलिंक भी दिया हुआ है, यहाँ पे हम देखते हैं कि कहाँ पे हमें, यहाँ जी। अब देखें जी, जो लास्ट में इन्होंने लिखा हुआ कि सक्सेसफुल पीपल आल्सो गेट एनफ स्लीप, बिल गेट्स, टीम कुक एंड एरेना एफिंगटन ऑल रिपोर्ट गेटिंग 7 आवर्स अ नाइट। अब रिपोर्ट जहाँ पे इन्होंने यहाँ में बैकलिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पर देखें, नीचे बैकलिंक शो हो रहा है हमारा, जो जहाँ पे हमारी ओरिजिनल इन्फोग्राफिक पब्लिश थी, और ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्वालिटी का बैकलिंक है। और साथ ही आप नीचे देखें journalsleep.org का एक आर्टिकल उन्होंने लिंक किया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे ऊपर आप देखिए डिफरेंट इन्होंने आर्टिकल्स, यहाँ पे एक news.ubc.ca
का लिंक दिया हुआ है। फिर ऊपर देखें prevention.com एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, फिर cmo.com यानी जितने भी इन्होंने बैकलिंक्स दिए सारी हाई क्वालिटी की वेबसाइट्स हैं, 90+ जिनकी डोमेन रेटिंग है। तो ये जो हमें बैकलिंक मिला है ये भी बिल्कुल हमें आप कह सकते हैं कि मुफ्त में मिला है, फ्री में मिला है, क्योंकि हमने ना इनको अप्रोच किया है ना हमने इनके कोई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। और ये भी इन्होंने सिमिलर इसी तरह कि जो इसकी आथर हैं जिन्होंने इस पार्टिकल को लिखा होगा तो डेफिनेटली उन्होंने इसे रेलिवेंट पहले रिसोर्सेज को इकट्ठा किया होगा, जिसकी वजह से बड़े बड़े वेबसाइट पे जो है ना हमारी इन्फोग्राफी पब्लिश होने की वजह से हमारी जो इन्फोग्राफी है वो भी इनको कहीं नज़र आ गई होगी, और जिसकी वजह से हमारे रिसोर्स को इन्होंने अथेंटिक, क्योंकि हमारा एक रिसोर्स अथेंटिक रिसोर्स बन चुका था बड़ी बड़ी वेबसाइट पर पब्लिश होने की वजह से, तो उन्होंने यहाँ पर एज अ बैक लिंक एज अ रिसोर्स हमें एक बैक लिंक यहाँ पे जो है ना हमें दिया है और हमें बैकलिंक मिला है। ये दो जो बैकलिंक से प्योर डू फॉलो बैकलिंक से और हाई क्वालिटी के बैकलिंक से, और इससे उस वक्त जो है ना हमारी वेबसाइट को बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का बूस्ट मिला था, उसकी ट्रैफिक जो है ना वो बड़ी यानी आप कह सकते हैं इंक्रीज़ हो गई थी, उसकी रैंकिंग बड़ी पावरफुल हो गई थी, और यानी बहुत सारा जो है ना ओवरऑल वेबसाइट पर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था। तो ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप बड़ी वेबसाइट से इस तरह थ्रू इन्फोग्राफिक लिंक्स ले सकते हैं तो फिर आप देखिएगा उसके बाद डेफिनेटली आपको बहुत सारे लिंक जो नेचुरली मिलना शुरू हो जाते हैं, जिन पे आपको फिर एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिन पे आपको कोई भी जो है ना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि मैंने जी इस इन जो ना वेबसाइट को अपनी इन्फोग्राफी को पब्लिश करवाने के लिए बड़ी मेहनत की, यानी वन बाय वन आथर से जो है ना कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। जब मेरी इन्फोग्राफिक बड़ी वेबसाइट पर पब्लिश हो गई कुछ चंद वेबसाइट पर, तो जिसकी वजह से ये जो बैकलिंक से मुझे नेचुरली फिर मिलना शुरू हो गए। तो समझाने का मकसद और ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जब आप बड़े जो बैकलिंक्स हैं हाई क्वालिटी के वो जब आप कुछ गेन कर लेते हैं तो डेफिनेटली फिर आपको बहुत सारे और हाई क्वालिटी के बैकलिंक्स जो है ना मिल जाते हैं, नेचुरली लोग खुद फिर आपको लिंक करना शुरू कर देते हैं। तो सिर्फ यही पर्पज़ था मेरा वीडियो बनाने का कि इस तरह के बैकलिंक्स को आप इग्नोर ना करें और इस टेक्निक पे आप ज़रूर काम करें। ये टाइम टेकिंग है, इस पर आपका एक मंथ दो मंथ थ्री मंथ भी लग जाएँ तो कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप इस पर ज़रूर काम करें। और अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो गए, आपके आपको कुछ चंद लिंक मिल गए, तो आप उसके बाद देखिएगा फिर इस तरह की जो बड़ी वेबसाइट्स हैं वो नेचुरली आपको खुद यानी लिंक देना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनके जो ऑथर्स जो रिपोर्टर्स होते हैं वो जब अपने किसी टॉपिक पे लिखते हैं तो वो पहले रिसोर्सेज इकट्ठे करते हैं और अथेंटिक रिसोर्सेज अपनी जो है ना आर्टिकल के अंदर डालते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है ना टेक्निक और ये एक बड़ा सीक्रेट है ये भी आपको समझ आ गया होगा, और आपसे आप इसे ज़रूर इंस्पायर होकर इस टेक्निक पर काम करेंगे। जी तो दोस्तों वीडियो को आपने वॉच किया, मैंने आपको प्रैक्टिकली और प्रूफ के साथ दिखाया है कि कैसे हमने इतनी बड़ी वेबसाइट से जो बैकलिंक्स जनरेट किए हैं विदाउट एनी कॉन्टैक्ट ऑथर्स, यानी ये बैकलिंक्स हमें नेचुरली मिले हैं। और इसमें जो भी चीज़ें थी जो भी कन्फ्यूजन थी वो भी उम्मीद है कि आपकी क्लियर हो गई होगी, लेकिन स्टिल अभी भी कोई क्वेश्चन है कोई क्यूरी है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई दूंगा। और आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सपोर्ट के साथ साथ मेरा भी जो मोटिवेशन लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और जिसकी वजह से मैं दिन ब दिन कोशिश है कि मैं अच्छी वीडियोज़ और प्रैक्टिकली वीडियोज़ बनाऊँ जिनसे आप फ़ायदा उठा सकें और उन चीज़ों को अपनी वेबसाइट के लिए अप्लाई कर सकें। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को दुश्वारी पेश आ रही है कि हम जी अपनी एफिलिएट वेबसाइट को कैसे रन करें, कैसे उसे सक्सेसफुल बनाएं, कैसे हम उसे इस पोजीशन पे लाएं कि हमें एक अच्छे पैसों में हम अपनी वेबसाइट को सेल कर सकें। तो उन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप जो ये टेक्निक्स हैं जिन पे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, जिनको गूगल भी लाइक करता है, और इसमें आप देखें मैं कोई भी ब्लैक हैट टेक्निक आपके साथ नहीं शेयर कर रहा, क्योंकि मैं खुद ब्लैक हैट पे काम नहीं करता, प्योर वाइट हैट मेरी कोशिश है कि प्योर वाइट हैट टेक्निक्स पे काम करूं, और वाइट हैट टेक्निक्स वो हैं जिनको गूगल प्रेफर करता है और गूगल रिकमेंड करता है। तो आप अगर इसमें किसी भी किस्म की आपको कोई कन्फ्यूजन है बैकलिंक के हवाले से हो गई, ऑन पेज के हवाले से हो गई, ऑफ पेज एफिलिएट मार्केटिंग के हवाले से हो गई, तो इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ हर सवाल का जवाब देने के लिए। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने वीडियो को वॉच किया और इसके लिए टाइम निकाला। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।